Hi, my name is Ashish Parashar. Welcome to Magnet Brains. इस चैप्टर का लास्ट और एक बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट टॉपिक दैट इज सीवेज ट्रीटमेंट. सीवेज ट्रीटमेंट की अगर मैं बात करूँ तो ये बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट कैटेगरी के क्वेश्चंस को इंक्लूड करता है, क्योंकि सीवेज ट्रीटमेंट एक बहुत ही ज़्यादा प्रैक्टिकल टॉपिक है. और एक चीज़ मैं आपको गारंटी देता हूँ कि पूरा सीवेज ट्रीटमेंट मैं आपको पढ़ाऊँगा, एंड में आपको सीवेज ट्रीटमेंट पूरा समझ आएगा. आपको सिर्फ एक काम करना है कि सिर्फ ध्यान से पूरा वीडियो सुनते रहना है फोकस के साथ. 100% इस चीज़ का है कि आप सिर्फ चीज़ें देखोगे और आपको याद हो जाएगा. प्लस इसके बाद मैं कुछ ऐसे प्रैक्टिकल डायग्राम्स जो मैंने सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट जाके इकट्ठे किए थे आपके लिए, वो डायग्राम्स को मैं दिखाऊंगा और यहाँ पे जो चीज़ें बताई जाती हैं उनको वहाँ से रिलेट करवाऊंगा प्रैक्टिकली चीज़ों को. हमारी सिटी में, एक्चुअली में हर सिटी में सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट होते हैं. आप भी अपनी सिटी में जा सकते हैं विजिट करने को इफ़ यू हैव टाइम. अदरवाइज फ़िलहाल कोई ज़रूरत नहीं है. जब आप MBBS करोगे, PSM जो डिपार्टमेंट है थर्ड ईयर MBBS में आपके आएगा और वो आपको खुद ही विजिट करवा देगा. ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं. सीवेज ट्रीटमेंट बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है. 100% हाँ, इसको 5 स्टार तो नहीं, लेकिन मैं 2 से 3 स्टार ज़रूर देना चाहूँगा. 2 से 3 स्टार मान के चलो. इसमें से क्वेश्चन सेकेंडरी ट्रीटमेंट से ज़्यादा पूछा जाता है. स्टार्ट करते हैं. बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है और काफ़ी अच्छा टॉपिक है, इंटरेस्टिंग है. देखो, सबसे पहले हमारे पास सीवेज आया, तो सीवेज जो आया है, व्हाट इज सीवेज? सीवेज का मतलब होता है जो भी डोमेस्टिक हाउसहोल्ड वेस्ट है. अब मैंने 2 शब्द यहाँ पे यूज़ किए, पहला डोमेस्टिक और दूसरा हाउसहोल्ड. नाउ व्हाट इज डोमेस्टिक? डोमेस्टिक मतलब जो भी हम रह रहे हैं, हमारे आसपास का इलाका, उसका पूरा जो भी गंदा पानी है वो पूरा सीवेज का. अब गंदे पानी में क्या आ जाता है? जैसे कि हमने कपड़े धोए, क्लॉथ जो हमने वॉश किए, जैसे कि हमने नहाया, बाथ, जैसे कि हॉस्पिटल वेस्ट होता है, जैसे कि हमारा जो एक बोलते नहीं एक्सक्रीटा हो गया, ह्यूमन एक्सक्रीटा का हो गया. एक्चुअली में एक्सक्रीटा का जो पानी है वो इंक्लूड उतना ज़्यादा नहीं किया जाता है, लेकिन हाँ, हॉस्पिटल हो गया, कपड़े धोने का हो गया, इस तरह का जो भी पानी है वो पूरा इंक्लूडेड इसमें रहता है. तो जो भी हाउस होल्ड डोमेस्टिक जो गंदा पानी जिसको हम बोल देते हैं, वो पूरा सीवेज में आता है. तो सीवेज आया, सबसे पहले वो बेसिक स्टेप हुई, दिस इज सीवेज की एंट्री हुई. तो सीवेज की एंट्री होने के बाद कम्यूनिट, यानी कि सिंपल, उसको वहाँ पर इकट्ठा किया गया. नॉट सो इम्पॉर्टेंट ग्रेट, ये इम्पॉर्टेंट है. हालांकि इतना ज़्यादा NCERT में इसको डिटेल में नहीं समझाया है, लेकिन अगर ग्रेट की मैं बात करूँ तो पानी में जो भी XYZ फिजिकली सॉलिड चीज़ें हैं, यानी कि मिट्टी हो सकती है, पत्थर हो सकता है, तो एक्चुअली में जब आप देखोगे तो वो एक छोटा सा ऐसा कैनाल टाइप की रहती है, वहाँ से पानी बहता हुआ जाता है और उसमें पूरा जो भी मिट्टी है या जो भी ग्रेट होता है, सैंड हो सकता है या फिर पत्थर हो सकते हैं, वो पूरे छोटे छोटे सब वहाँ पे सेटल हो जाते हैं. इसलिए इसको ग्रेट चैम्बर का नाम दिया जाता है. और उसके बाद वो जो पानी होता है उसको कंपोस्ट या फिर लैंडफिल के लिए यूज़ कर लिया जाता है. नाउ फ्रॉम देयर NCERT स्टार्ट करती है अपना टॉपिक, दैट इज़ प्राइमरी सेटलिंग. प्राइमरी अगर मैं ट्रीटमेंट की बात करूँ तो प्राइमरी ट्रीटमेंट तो बहुत ही ज़्यादा आसान है. डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा जाता है कि प्राइमरी ट्रीटमेंट में क्या क्या यूज़ होता है. मैं डायरेक्ट लिख रहा हूँ प्राइमरी, आई होप आप समझ जाएंगे. इसका मतलब है प्राइमरी ट्रीटमेंट. ठीक है, तो प्राइमरी ट्रीटमेंट में सिर्फ 2 ही काम होते हैं. पहला है फिल्ट्रेशन. फिल्ट्रेशन यानी कि फिल्टर करने का काम होता है पानी को. एंड अनदर वन इज सेडिमेंटेशन. वन इज फिल्ट्रेशन एंड अनदर वन इज सेडिमेंटेशन. तो ये जो प्राइमरी सेटलिंग टैंक है, इसमें सिर्फ 2 ही काम होते हैं. एक, फ़िल्टर करना, क्योंकि कई सारे बड़ी चीज़ें हो सकती हैं उसमें, कई सारे एनिमल्स हो सकते हैं उसमें मरे हुए, उनको फ़िल्टर करना होता है. ये सच है, एकदम सच है, मरे हुए एनिमल्स कई बार आ जाते हैं. और उसके बाद सेडिमेंटेशन, यानी कि कुछ जो हैवी ऑब्जेक्ट्स हैं या हैवी पार्टिकल्स जिनको ज़्यादा करेक्ट लैंग्वेज में बोलूँ, वो नीचे ज़मीन में सेटल हो जाए, फिर पानी आगे बढ़ता है. प्लस एक एक्स्ट्रा नॉलेज अगर मैं आपको बताऊं तो एल्यूमिनियम जो ऑक्साइड्स रहते हैं उनसे ट्रीट किया जाता है. क्लोरीन वगैरह से पानी को ट्रीट कर सकते हैं, एलम डाल सकते हैं उस सिचुएशन में. एक बड़ा सा टैंक होता है प्राइमरी सेटलिंग टैंक, वहाँ पे ये सब चीज़ें की जाती हैं. उसके बाद पानी को आगे बढ़ाया जाता है. अब इम्पॉर्टेंट चीज़ें चालू हो रही है, बहुत ध्यान से सुनना. तो जब हम आगे बढ़ाते हैं तो सेकेंडरी ट्रीटमेंट है. सेकेंडरी ट्रीटमेंट को हम बायोलॉजिकल ट्रीटमेंट भी बोलते हैं. सवाल उठता है क्यों?
इसीलिए क्योंकि यहाँ पे ऑक्सीजन का इन्वॉल्वमेंट है, इसीलिए बायोलॉजिकल ट्रीटमेंट। सेटलिंग, जो प्राइमरी सेटलिंग ट्रीटमेंट है, उसके बाद हम दो तरह के तरीके से उसको ट्रीट कर सकते हैं। वन इज एरेशन टैंक और अनदर वन इज ट्रिकलिंग फिल्टर। ट्रिकलिंग फिल्टर की अगर मैं बात करूं तो उतना ज़्यादा यूज़ नहीं किया जाता है, प्लस एनसीईआरटी में डिस्क्राइब नहीं है। तो ट्रिकलिंग फिल्टर में ज़्यादा कुछ नहीं होता है, हम एक तरह से एक फिल्ट्रेशन ही प्रोसेस है जिसके थ्रू इससे हम पानी को साफ करते हैं। तो एनसीईआरटी क्या करती है कि जो पढ़ाती है, मैं पूरा वो पाथ बता रहा हूँ, यानी कि इसको आपको पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। प्राइमरी सेटलिंग हुई, उसके बाद सेकेंडरी में एक बड़ा सा चैम्बर होगा, बड़ा सा एरिया होगा जहाँ, जिसको हम एरेशन टैंक बोलेंगे, और वहाँ पे जो है एरेशन का काम चल रहा होगा, जो पानी है उसके अंदर ऑक्सीजन सप्लाई का काम चल रहा होगा। ठीक है, जब ऑक्सीजन सप्लाई टैंक, अब बहुत ध्यान से सुनना, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, आने वाले जितने भी विजिट का वीडियो ये बचा है वो पूरा बहुत ज़्यादा ध्यान से सुनना। तो प्राइमरी सेटलिंग होने के बाद सेकेंडरी ट्रीटमेंट में आया, पहली स्टेप है एरेशन करवाया। एरेशन हमने कैसे करवाया, एयर दिया, एयर कैसे दी हमने, जो भी मैकेनिकल तरीके से उसको टर्बाइन घुमा के कुछ भी करके जो पानी था उसके अंदर एयर का इन्वॉल्वमेंट बढ़ाया, एयर की जो एक क्या बोलते हैं डेंसिटी उसको इंक्रीज़ किया, पूरे उसमें हमने उसको घुमाया पानी को सबसे पहले, और उसमें हमने एयर दी। सेकेंड अगर बात करें, सेकेंडरी ट्रीटमेंट, बायोलॉजिकल ट्रीटमेंट, एयर का इन्वॉल्वमेंट, इतना समझ में आया। जैसे ही हमने इसको एयर दी, पानी के अंदर कुछ स्पेशल टाइप के ऑर्गेनिजम्स ग्रो कर गए, दैट इज फ्लॉक्स। पहली इंपॉर्टेंट डेफिनेशन, फ्लॉक्स क्या होते हैं। फ्लॉक्स की अगर मैं बात करूँ तो फ्लॉक्स एक्चुअली में एक इस टाइप का एक छोटा सा मैश लाइक स्ट्रक्चर होता है। क्या होता है, मैश लाइक स्ट्रक्चर। अब मैश लाइक स्ट्रक्चर क्या होता है, जैसे कि आपने कभी घास उठाई इस टाइप का, ऐसे गुच्छे टाइप का बन जाता है, या जिसको और ज़्यादा बेटर झाग टाइप का बड़ा सा बन जाता है, तो झाग टाइप का स्ट्रक्चर होता है मैश लाइक स्ट्रक्चर। झाग इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि मैंने फिजिकली देखा है सामने, तो वो झाग जैसा दिखता है, इसलिए वहाँ पे झाग बोल रहा हूँ मैं मैश को। मैश का मतलब कुछ और ही होता है, ठीक है। तो फ्लॉक्स ग्रो करते हैं। नाउ व्हाट इज फ्लॉक्स, फ्लॉक्स का मतलब होता है कि बैक्टीरिया एसोसिएटेड विद फंगल फिलामेंट्स, ठीक है ना। क्या लाइन बोली मैंने, फ्लॉक्स का मतलब होता है बैक्टीरिया एसोसिएटेड विद फंगल फिलामेंट्स। तो अगर ये बैक्टीरिया हैं और ये फंगल फिलामेंट्स, इनसे ये जो एसोसिएशन बन रहा है, इस पूरे एसोसिएशन को हम फ्लॉक्स का नाम देते हैं, वन ऑफ द इंपॉर्टेंट डेफिनेशन। ये कब ग्रो हुआ फ्लॉक्स, जब हमने प्राइमरी जो इफ्लुएंट था हमारे पास उसको हमने आगे क्या बोलते हैं, आगे हमने पास किया, एरेशन टैंक में इनका डेवलपमेंट हुआ। फ्लॉक्स की अगर मैं बात करूं, ये रहे फ्लॉक्स, दे आर फ्लॉक्स। आप आई होप अच्छे से अप्रिशिएट कर पा रहे होंगे, इसको देखो। ये जो, अब मुझे नहीं पता कि आपको कितनी अच्छी क्वालिटी दिख रही है, लेकिन एक टाइप से जो इसको क्या बोलें, जब आप कंस्ट्रक्शन एरिया में गए हो या फिर आपने इसी टाइप का कुछ भी देखा हो, तो आप अच्छे से इमेजिन कर पाएंगे कि यहाँ पे एक्चुअली में ये जो फ्लॉक्स हैं ये डेवलप हो रहे हैं। ये देखो, ये पूरे फ्लॉक्स हैं, और ये फ्लॉक्स क्या है, वही जो फंगल फिलामेंट्स के साथ बैक्टीरिया एसोसिएटेड है और एक मैश लाइक स्ट्रक्चर बना रहे हैं, वही फ्लॉक्स है, ठीक है। नेक्स्ट, तो मैंने क्या बोला, सेकेंडरी ट्रीटमेंट स्टार्ट हुआ जिसमें सबसे पहले फ्लॉक्स बने, हमारा फ्लॉक्स कवर हुआ। ये जो फ्लॉक्स हैं ये एक्चुअली में क्या करेंगे, जो पानी का बीओडी है उसको कम करेंगे। अगेन नेक्स्ट वर्ड और इंपॉर्टेंट डेफिनेशन, BOD डेफिनेशन जो है, अगर मैं बात करूं तो पूरे के पूरे NCERT में वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट डेफिनेशन है। तो अभी तक हमने क्या समझा, हमने ये समझा प्राइमरी जो भी पानी था, प्राइमरी ट्रीटमेंट के बाद एरेशन टैंक में आया, हवा दी उसको, एयर दी, फ्लॉक्स डेवलप हुए जिसने उसका जो पानी है उसको साफ किया, उसका BOD कम किया। BOD का मतलब होता है कि अगर एक लीटर पानी लिया हमने, उसके अंदर हमने बैक्टीरिया डाल दिया, और बैक्टीरिया से बोला कि जितना भी इसके अंदर ऑर्गेनिक मैटर है, जितनी भी गंदगी है, उसको तुम डाइजेस्ट कर लो, ठीक है, और उसमें तुम्हें जितना भी ऑक्सीजन रिक्वायर्ड होगा वो BOD हो जाएगा उस पानी का, यानी कि बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड, दिस इज BOD, ठीक है ना। तो मैंने क्या बोला, फिर से सुन लो, एक लीटर पानी लिया, उसके अंदर बैक्टीरिया डाला मैंने, उस बैक्टीरिया से कहा जितना भी ऑर्गेनिक मैटर है, जितनी भी गंदगी है पानी के अंदर, वो पूरी गंदगी तुम साफ कर दो, उसको ख़त्म कर दो,
और तुमने जितनी भी ऑक्सीजन उसके काम के लिए यूज़ की है दैट इज़ योर बीओडी या फिर इस पानी की बीओडी। अगर मैं समझाऊँ, जितना ज़्यादा बीओडी होगा पानी उतना ज़्यादा इम्प्योर होगा, पॉल्यूटेड होगा। पानी उतना ज़्यादा इम्प्योर होगा उतना ज़्यादा पॉल्यूटेड होगा। ये चीज़ समझ में आई ना? तो फ्लॉक्स जो ग्रो किए थे उन्होंने पानी को साफ किया, पानी को साफ किया तो यहाँ पे उसकी बीओडी क्या हो गई? कम हो गई। बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड कम हो गई, पानी साफ हुआ, ज़्यादा बेटर हुआ पहले से। ये चीज़ समझ में आई ना? नेक्स्ट क्या होगा? जब उसकी बीओडी सफिशेंटली कम हो चुकी है, जितनी हम चाहते थे उतनी हमने कम कर ली है, उसके बाद हम उसको सेकेंडरी सेटलिंग टैंक में डालेंगे। एनसीईआरटी में ये चीज़ लिखी हुई है, एनसीईआरटी में ये चीज़ लिखी हुई है, इम्पॉर्टेंट है इसीलिए, ठीक है। तो बीओडी कम हुई, उसके बाद हमने उसको सेकेंडरी सेटलिंग टैंक में डाला। जब यहाँ पे हम क्या करेंगे, ये जो फ्लॉक्स था, ये सेकेंडरी सेटलिंग टैंक की बात कर रहा हूँ, यहाँ पे ये जो फ्लॉक्स थे इनको हम बोलेंगे कि अब भैया तुम आराम करो, रेस्ट करो, सेडिमेंट हो जाओ, आराम करो, रेस्ट करो, जमीन में सेटल हो जाओ, जिस प्रोसेस को हम सेडिमेंटेशन बोलते हैं। तो फ्लॉक्स को, फ्लॉक्स आर अलाउड टू सेडिमेंट, एनसीईआरटी की लाइन है, ठीक है ना। फ्लॉक्स आर अलाउड टू सेडिमेंट, और ये जो सेडिमेंट बना है, ये जो नीचे सेटल हुए हैं फ्लॉक्स, इसी को तो एक्टिवेटेड स्लज बोला है, इसी को तो एक्टिवेटेड स्लज बोला है। वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, 5-star इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत ध्यान से सुनना। एरेशन टैंक था, बीओडी कम हुआ, सेटलिंग टैंक में डाला, सेटलिंग टैंक में फ्लॉक्स थे, फ्लॉक्स जो थे वो एक्चुअली में उनका काम लगभग खत्म हो चुका है, उनको बोला तुम सेडिमेंट हो जाओ, सेटल हो जाओ, जो जमीन में सेटल हुए उन्हीं को हमने एक्टिवेटेड स्लज बोला है। तो जो फ्लॉक्स सेटल होते हैं सेटलिंग टैंक में उन्हीं को एक्टिवेटेड स्लज या फिर सेकेंडरी सेडिमेंट बोला जाता है, सेकेंडरी स्लज, सेडिमेंट, कुछ भी बोल रहा हूँ। क्यों सेकेंडरी? क्योंकि सेकेंडरी ट्रीटमेंट का है, प्राइमरी कौन सा हो जाएगा? जो यहाँ का, यहाँ पे जो सेडिमेंटेशन इनिशियली हुआ था ना, वो प्राइमरी स्लज या प्राइमरी सेडिमेंटेशन बोल देंगे, और यहाँ पे इसको सेकेंडरी स्लज या सेकेंडरी सेडिमेंटेशन या फिर एक्टिवेटेड स्लज बोलेंगे। एक्टिवेटेड स्लज सबसे इंपॉर्टेंट नाम है और अल्ट्रा इंपॉर्टेंट है, ये नाम बहुत बार पूछा गया, इवन बोर्ड्स में भी बहुत बार आता है। एक्टिवेटेड स्लज की डेफिनेशन कुछ नहीं है, फ्लॉक्स ही हैं जो सेटलिंग टैंक में आके एकदम नीचे स्थिर हो गए। नेक्स्ट, अब क्या होता है, ये जो एक्टिवेटेड स्लज बना है इसका एक छोटा सा पार्ट यानी कि छोटा सा हिस्सा दोबारा एरेशन टैंक में डाल दिया जाता है। क्यों डाल दिया जाता है? विच कैन सर्व एज इनोकुलम, एनसीईआरटी की लाइन है। इनोकुलम मतलब जैसे कि हमको दही बनाना होता है तो दूध में हम थोड़ा सा दही पहले से डाल देते हैं, तो वो भी इनोकुलम का काम करता है, यानी कि प्रोसेस को फास्ट कर देगा। तो ये इसलिए थोड़ा सा एक्टिवेटेड स्लज यहाँ से यहाँ पे डाला जाता है। अब बाकी के यहाँ के पानी का क्या करेंगे? दोबारा से आगे भेजेंगे उसको स्लज डाइजेस्टर में। यहाँ पे इसको एनएरोबिक स्लज डाइजेस्टर लिखा हुआ है एनसीईआरटी में। एनएरोबिक स्लज डाइजेस्टर जो है वहाँ पे एक्चुअली में जो बाकी की प्रोसेस है वो कंप्लीट होगी। कुछ एनएरोबिक बैक्टीरिया हैं जो फ्लॉक्स हैं उनको डाइजेस्ट करेंगे, जो बाकी का ऑर्गेनिक मैटर है उसको डाइजेस्ट करेंगे और पानी को यूज़ करने लायक बनाएंगे। ये जब हो रहा होगा प्रोसेस तो ये जो एनएरोबिक बैक्टीरिया हैं कुछ स्पेशल टाइप की गैस रिलीज करेंगे जिसमें मीथेन, H2S और CO2 इन्वॉल्व होंगे, इसीलिए कुल मिला के यहाँ पर बायोगैस बोला गया है। प्लस इसको एक एनर्जी भी रिलीज करेगा और वो एनर्जी को हम अपने लिए यूज़ कर सकते हैं। उसके अलावा मैन्यूअर, लैंडफिलिंग और यहाँ पे जो चीज़ें हैं उनमें हम इनका यूज़ कर सकते हैं। तो अगेन समझ में आया, सीवेज आया, प्राइमरी सेटलिंग, प्राइमरी में क्या किया, फिल्टर किया, सेडिमेंट किया, जो सेडिमेंट हुआ उसको प्राइमरी स्लज या सेडिमेंटेशन भी बोल दिया। नेक्स्ट एरेशन टैंक, उसमें हमने हवा डाली तो कौन ग्रो किया? फ्लॉक्स। फ्लॉक्स मतलब क्या? फंगल फिलामेंट प्लस उसके ऊपर बैक्टीरिया, और आपने देखा था मैश लाइक स्ट्रक्चर। नेक्स्ट एरेशन टैंक के बाद फ्लॉक्स और जो है बीओडी कम हुआ यानी कि उसका जो पॉल्यूशन है पानी का, गंदा है, वो खत्म हुआ, पानी थोड़ा साफ हुआ, सेकेंडरी सेटलिंग ट्रीटमेंट दिया, वहाँ पे क्या हुआ, फ्लॉक्स नीचे सेडिमेंट हो गए, उसको हमने एक्टिवेटेड स्लज बोला, बहुत इंपॉर्टेंट, उसको फिर एनएरोबिक स्लज डाइजेस्टर में डाला, वहाँ पे कुछ और बैक्टीरिया आए, उनने फ्लॉक को डाइजेस्ट किया, बाकी के पानी को साफ किया और यूज़ करने लायक बताया। कौन कौन सी गैस रिलीज होती हैं ये भी इंपॉर्टेंट है।
तो ये कुछ इम्पॉर्टेंट, बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट कॉन्सेप्ट थे, आई होप आपको समझ में आए होंगे। ये आप देखोगे, ये एरेशन टैंक है, यहाँ पे आप एरेशन टैंक देखो, ये पूरा फील्ड होता है यहाँ पे। एक्चुअली में ये इस तरह से पानी चल रहा है, सेडिमेंटेशन और उनकी पूरी प्रोसेस होती है, पानी इस तरह से चल रहा होता है। और जो आप यहाँ पे, मैं यहाँ पे उस चीज़ को वीडियो में लेके आया था, लेकिन वीडियो उतना अच्छे से आपको नहीं दिखता। ये एंड में आपको एक नाली टाइप का दिख रहा होगा, यहाँ से प्योरीफाइड वाटर अंदर जा रहा है, यानी कि यहाँ से पूरा घूम घूम के साफ हो गया, अब वो प्योरीफाइड वाटर यहाँ से अंदर जा रहा है। ये जो पर्सन हमको दिखा रहा था, ये पूरा पानी एकदम साफ है, स्वच्छ है, पीने योग्य है, ठीक है। तो इस तरह से आप देखेंगे कि ये हमारा जो सिटी है, वहाँ पे सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट है, ये उसी की फ़ोटोज़ है। ये फ्लॉक्स का था और ये पूरा प्रॉपर मैश लाइक स्ट्रक्चर, ये एरेशन टैंक जब उसमें पानी भर जाता है, तो ये कुल मिला के सारी चीज़ें रहती हैं। और यहाँ पे सीवेज ट्रीटमेंट भी ख़त्म होता है। ये चैप्टर जो ख़त्म हुआ, आई होप आपको पसंद आया होगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो उसको ज़रूर लाइक करें। थैंक यू।